पटना के एक छोटे से स्टेशनों पे, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से स्वामी विवेकानंद टेम्पल। तो देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी पकड़ के और स्वामी विवेकानंद टेम्पल की तरफ जाएंगे। तो अभी गाड़ी मेरे पीछे आ ही रही है, अभी स्टेशनों पे हैं, चेन्नई के एक छोटी सी स्टेशनों पर। आखिरकार हम लोगों ने ट्रेन से उतरी और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है स्वामी विवेकानंद टेम्पल, और यहाँ से अभी चलेंगे वहाँ, पैदल ही रुक करते हैं। तो अभी तकरीबन हम पहुँचने ही वाले हैं स्वामी विवेकानंद टेम्पल, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे है जहाँ अभी वर्तमान में हम हैं। देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन से हम 500 मीटर चलते हैं और आखिरकार वहां पहुंच के और वहां से दिखाते हैं हम अभी आपको स्वामी विवेकानंद टेम्पल। तो चलते हैं। अभी हम आ गए हैं, अभी मैं मौजूद हूं चेन्नई में, और चेन्नई चेपक से लगभग 2 किलोमीटर दूर मैं अभी पैदल चल के, अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहां पे स्वामी विवेकानंद टेम्पल है, जो कि मैं अभी उसके अंदर जा रहा हूं और जाके वहां देखेंगे और उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लेके चलते हैं, अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं पीछे स्वामी विवेकानंद टेम्पल दिखाई दे रहा है। तो अभी आइए हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद टेम्पल। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और दिखाते हैं स्वामी विवेकानंद की पूरी लाइफ के बारे में बताएंगे, कि वो कहाँ से थे और उनकी जन्म क्या और सारी कुछ क्यों ना का स्रोत बना रहा। तो आइए हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद टेम्पल में। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं पहुँच चुका हूँ स्वामी विवेकानंद टेम्पल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उनकी प्रतिमा है, और बहुत बड़ी टेम्पल है ये चेन्नई में स्वामी विवेकानंद का। मैं आपको बता दूँ कि स्वामी जी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी, जो कि उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उनके पिता का नाम विश्वदत्त था। तो आइए अभी हम उनको दिखाते हैं, आपको उनके जीवनी के बारे में बताते हैं और ले कर चलते हैं, आप उनके साथ मेरे वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए चलते हैं, अभी हम दिखाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये हमेशा से नवयुवकों को प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा देने का काम किया है। इनका एक कहना था कि उठो जगो और जब तक चलो तब तक कि तुझे तुम्हारी मंजिल न मिल जाए, ये इनका एक प्रमुख श्लोक था, और हमेशा से प्रेरणार्थाओं का सुरक्षा ये युवाओं को बढ़ाने का काम किया। तो आइए हम चलते हैं और दिखाएंगे, इनके जीवनी के बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं पूरे टेम्पल, आपको हम घुमाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एक बहुत बड़ी स्टैच्यू स्वामी विवेकानंद जी का, और मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही एक समाज सेवी थे, वे हमेशा से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अभी हम बता दें आपको कि अभी हम हैं वर्तमान में तमिलनाडु में, और यहाँ टिकट काउंटर से हमें टिकट लेनी है, और उतनी अच्छी मुझे तमिल मालूम नहीं है, तो मैं इंग्लिश यूज करता हूँ और पूछता हूँ उनसे क्या कैसे। हेलो ना, हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ एंट्री फी? हेलो, 50 रुपीज 1 पर्सन, ओके, 2 टिकट्स ना, गिव मी। तो आइए हम चलते हैं अंदर। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका से कुछ व्यापक वस्तु यहाँ लाई गई थी, जो कि आइस के टुकड़े हैं, जो कि 1872 ईस्वी में इस भवन का निर्माण हुआ, और तब से ये आइस का टुकड़ा जस का तस है, नहीं तो ये पिघली नहीं तो कुछ। देखिए इसमें कहीं से कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एक चिमनी नुमा गृह का निर्माण किया गया है और उसमें इसे संरक्षित किया गया, देख सकते हैं। ये एक आइस का टुकड़ा है, ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं। आइए और अभी और अंदर चलते हैं, और हम आपको मिलाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो आइए हम अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। जी हाँ, ये वही रामकृष्ण परमहंस है जिनको बंगाल के दक्षिणेश्वरी मंदिर में साक्षात माँ काली के दर्शन हुई थी। इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानता है इन्हें।
आइए हम आगे एक आपको सीन दिखाते हैं जो कि अलवर के राजा महाराजा मंगल सिंह मूर्ति पूजन को नहीं मानने वाले ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद जी जब उनके दरबार में पहुँचे तब क्या हुआ। जब स्वामी विवेकानंद जी जब मंगल सिंह के दरबार में पहुँचे तो पहले तो इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने अलवर के राजा मंगल सिंह के पिता के प्रतिमा के पास गया और प्रतिमा को उतार करके उनके जो दीवान थे उस मूर्ति को उसके मुख के सामने रख दिया और बोला उसके दीवान से कि लो इस पे थूको। तब दीवान ने काफ़ी शर्मिंदा महसूस की, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पे महाराजा तो गुस्सा हो गए। तब महाराजा को बोला स्वामी विवेकानंद जी आप तो मूर्ति पूजन को नहीं मानते, ये महज तो एक पेंटिंग है, तो फिर आप इस पर नाराज़ क्यों। तब महाराज ने जवाब दिया कि ये हमारी पहचान है और इससे ही हमारी पहचान है क्योंकि ये हमारे पिता हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे कि जिस तरह से ये आपकी पहचान है उसी तरह से ये प्रतिमा हमारी पहचान है और ये हमारी पहचान को याद दिलाती है। इस पर मंगल सिंह शर्मिंदे हो गए थे और करारा जवाब मिला था उनको इन चीज़ों का। तो कैसी लगी हमारी आज की ये ब्लॉग, तो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।